एक बार की बात है, एक गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। राधिका अपने पति किशोर के साथ रहती थी। राधिका भी गर्भवती थी, इसलिए राधिका का पति राधिका की बहुत देखभाल करता था और उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता था। कुछ दिनों के बाद राधिका एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। राधिका की बेटी की प्रशंसा का कारण ये था कि राधिका की बेटी के बाल बहुत ही घने, घुंघराले और काले थे, जो कि बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। इसके चलते गांव के सभी लोग राधिका की बेटी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राधिका अपने पति किशोर से बात करती है। सुनो जी, हमें अपनी बेटी का नाम अब कुछ रखना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें, उसे किस नाम से बुलाएं। जब से ये हमारी जिंदगी में आई है, तब से इसने सभी का दिल जीत लिया है। क्यों ना इसका नाम हम रानी रखें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये नाम बिल्कुल ठीक रहेगा। कितना सुंदर है ये, अब हम इसको इसी नाम से बुलाएंगे। अब उस दिन से राधिका अपनी बेटी का नाम रानी रख देती है। सभी लोग उसे रानी के नाम से बुलाते हैं। रानी बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह सुंदर थी, इसलिए उस पर रानी नाम बहुत जचता था। अब रानी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन रानी के बाल रानी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। रानी के बालों की लंबाई बहुत ज्यादा थी। उसके बाल बाकी सभी बच्चों के मुकाबले काफी सुंदर और लंबे थे, इस वजह से वो दिखने में और सुंदर लगती थी। देखते ही देखते रानी 15 वर्ष की हो जाती है। रानी के साथ साथ उसके बाल भी बहुत बढ़ गए थे। एक दिन रानी के माता पिता आपस में बातें करते हैं। सुनो जी, हमारी रानी अब बड़ी हो गई है और साथ ही साथ हमारे घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। स्कूल का खर्चा, किताबों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है अब हमारा ये खर्चा बढ़ गया है, जो अब पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या मुझे भी कुछ काम करना चाहिए? अगर मैं काम करूंगी, तभी हम अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे और अपने घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। लेकिन राधिका, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती और तुम इस हालत में भी काम करना चाहती हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं सिलाई का काम आज से ही शुरू करने जा रही हूँ। राधिका अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने पति की मदद करने के लिए घर में ही सिलाई का काम करने लगती है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी अब इस काबिल हो गए थे कि वो अपनी बेटी और अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पा रहे थे, लेकिन अभी भी वो अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान खरीदने जा ही रही होती है कि तभी रानी सामने आ जाती है और कहती है, माँ मुझे भी बाजार जाना है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? अरे बेटी, तुम अगर बाजार जाओगी तो तुम बहुत थक जाओगी। तुम घर पर ही रहो और आराम करो, मैं यूँ गई और यूँ आई। नहीं माँ, मैं नहीं थकूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, प्लीज माँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। राधिका रानी को अपने साथ बाजार लेकर चली जाती है और बाजार से अपनी जरूरत के सभी सामान खरीद लेती है। तभी रानी की नज़र एक सुंदर से सफेद खरगोश के ऊपर जाती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखने के बाद रानी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ये खरगोश चाहिए। लेकिन बेटी, हमें खरगोश की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मुझे ये खरगोश चाहिए। अपनी बेटी की जिद के आगे राधिका की एक नहीं चलती और वो बाजार से वो खरगोश खरीद लेती है। फिर वो खरगोश लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर रानी अपने खरगोश के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानी के इतने लंबे बाल देखकर राधिका किशोर से कहती है,
रानी के बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, देखो फर्श पर लहरा रहे हैं। क्यों ना हम इसके बाल थोड़ा काट दें ताकि उसके बाल खराब ना हो और फर्श पर टच भी ना हो। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम इसके बाल काट दो। ये अभी बहुत छोटी है और इसके बाल उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। थोड़े ही दिन में इससे दो गुना रानी के बाल और बढ़ जाएंगे। अपने पति की बात मानकर राधिका अपनी बेटी के बाल काट देती है। बाल काटने के बाद वो फर्श पर गिर जाते हैं। फर्श पर गिरते ही वो बाल सोने में बदल जाते हैं। ये सब होता देख राधिका और किशोर के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद राधिका दोबारा से अपनी बेटी के बाल काटना शुरू कर देती है और वो कटे हुए बाल दोबारा से सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर राधिका और किशोर ये समझ जाते हैं कि रानी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि कोई जादुई लड़की है। ये सब छुपाने के लिए राधिका अपनी बेटी की चोटी बना देती है ताकि किसी को भी ये रहस्य पता ना चले। फिर किशोर उन बालों को बाजार में बेच देता है और वो बेचने के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वो अपने घर को बदल लेते हैं और उसकी मरम्मत करा लेते हैं और घर को बहुत ही आलीशान बनवा लेते हैं। जब भी उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी बेटी के कुछ बाल काट लेते थे। कुछ ही दिनों बाद राधिका और किशोर की जिंदगी बदल जाती है। वो एक बड़े से घर में रहने लगते हैं। ये देख आस पड़ोस के लोग राधिका से जलने लगते हैं। उनके घर के बाहर खड़े होकर वो आपस में बातें करते हैं। एक दिन राधिका के घर के बाहर दो अजीब व्यक्ति खड़े होते हैं जो राधिका को बाल काटते हुए देख लेते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह रानी के कटे हुए बाल सोने के रूप में बदल रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है जो ये इतनी जल्दी इतने अमीर हो रहे हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं समझ गया हूँ कि ये रानी कोई आम लड़की नहीं है, इसके बाल जादुई बाल हैं। इसके बाल काटते ही वो सोने के रूप में बदल जाते हैं। मुझे भी अमीर होना है, क्यों ना हम इसे किडनैप कर ले। इसे किडनैप करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। इतना सोचकर रात के समय मौका देखकर वो दोनों राधिका के घर में घुस जाते हैं और रानी के कमरे में पहुंच जाते हैं। उनमें से एक रानी को सोता देख उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जैसे ही वो रानी के मुंह पर हाथ रखता है रानी को एहसास हो जाता है और वो उस आदमी का हाथ काट लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रानी की आवाज सुनकर उसके माता पिता उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि रानी के कमरे में दो आदमी हैं जिन्होंने रानी को उठा रखा है, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो रानी को उठाकर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। उन दोनों को पकड़ने के लिए रानी के माता पिता उन दोनों का पीछा करते हैं। तभी वो आदमी उसके माता पिता को पीछा करते हुए देख लेते हैं और वो दोनों आदमी कहते हैं, वहीं खड़े हो जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्ची की जान ले लूँगा। चोरों की ये बात सुनकर राधिका और किशोर डर जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी कमरे से खरगोश बाहर आ जाता है और रानी के आगे खड़ा हो जाता है और वो खरगोश थोड़ी ही देर में एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। ये सारी घटना देख सभी लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। तभी परी कहती है, मैं कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। परी को अपने सामने देखकर वो दोनों घबरा जाती हैं और रानी को वहीं पर छोड़ देते हैं। रानी बहुत डरी हुई थी। रानी को छोड़ने के बाद उन दोनों आदमियों की याददाश्त परी मिटा देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। उन लोगों के जाने के बाद राधिका और किशोर परी से सवाल करते हैं
कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। आप एक परी है तो आप खरगोश के रूप में हमारे घर पर थी, पर क्यों? मैं यहाँ पर एक खरगोश के रूप में रानी की सुरक्षा के लिए आई हूँ। रानी कोई आम लड़की नहीं है, ये हमारे परी लोग की राजकुमारी सिंड्रेला परी है। राजकुमारी सिंड्रेला को एक इंसान के रूप में जन्म लेना था, तब उसने तुम्हारा परिवार चुना है जन्म लेने के लिए। पर उसने देखा कि तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लोग हो, तभी उसने सोचा कि ये हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लंबे बालों का क्या रहस्य है? राजकुमारी सिंड्रेला के पहले से ही बहुत लंबे बाल हैं और जादुई हैं। राजकुमारी सिंड्रेला अपने बालों को कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए इसने अपने बालों के साथ ही जन्म लिया है। इसकी अब सभी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन इसके बालों की जादुई शक्तियाँ अभी जिंदा हैं। हम राजकुमारी सिंड्रेला को अपने साथ परी लोक में नहीं रख सकते, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी रक्षा करने आई हूँ और मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगी और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। परी की ये बात सुनकर किशोर और राधिका बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद से किशोर राधिका अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं और वो हमेशा अपनी बेटी के जादुई बालों का राज छुपा कर रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, अनाया नाम की एक अनाथ लड़की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। 5 साल पहले अनाया के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अनाया बहुत ही मेहनती लड़की थी। अनाया गांव के सरपंच के यहाँ काम किया करती थी, जिसके बदले में वो उसे 2 वक्त का खाना खिलाता था और अनाया बेचारी उसी में बहुत खुश थी। अनाया को जब भी वक्त मिलता तो वो गांव की नदी के किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठा करती थी और उससे बहुत देर तक बातें किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। गर्मी का मौसम आ चुका था और गांव के सभी बच्चे गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम और पेप्सी का इस्तेमाल करने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी मोनिका का जन्मदिन था तो वो अपनी सहेलियों से कहती है, आज मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितना मन हो उतनी आइसक्रीम खा लेना, वैसे भी तुमने कभी आइसक्रीम तो खाई ही नहीं होगी। मोनिका की ये बातें अनाया भी खड़ी होकर सुन रही थी और ये सुनकर अनाया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मन ही मन में सोचती है, अरे वाह आइसक्रीम, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते जो मैं आइसक्रीम खाऊं। वैसे भी मोनिका ने तो कहा है कि वो सबको आइसक्रीम खिलाएगी। इतना सोचकर अनाया मोनिका के पास जाती है, तभी मोनिका उससे कहती है, अरे अनाया की बच्ची, तो यहाँ पर क्या कर रही है, चल निकल जा यहाँ से। अच्छा बोल, तू क्या बोलने आई है यहाँ पर? मैंने सुना कि तुम सबको आइसक्रीम खिला रही हो और सब में तो मैं भी आती हूँ, मैं भी तो इसी गांव में हूँ ना, मुझे भी आइसक्रीम दो ना। पागल है क्या, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी? मैं झाड़ू पोछा करने वाली को अपने साथ में खड़ी भी नहीं रहने देती हूँ। मोनिका बस एक दे दो ना, तुम मुझे जो काम भी करने के लिए कहोगी मैं तुम्हारा वो काम करूँगी, लेकिन अभी मुझे एक आइसक्रीम दे दो ना। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी, चलो जाओ यहाँ से। मोनिका की ये बात सुनकर अनाया बहुत उदास हो जाती है। अनाया जब भी उदास होती थी तो वो नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी, इसीलिए उस दिन भी अनाया उदास होकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। लेकिन आज वो हमेशा की तरह खुश नहीं थी, आज वो बहुत ही उदास थी। अनाया पेड़ के नीचे जाकर पेड़ से कहती है, दोस्त आज वो हमारे गांव की मोनिका है ना, उसके जन्मदिन पर उसने सभी को आइसक्रीम खिलाई सिवाय मेरे। आज मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी आइसक्रीम खाऊं, लेकिन वो कहती है कि मेरी औकात ही नहीं है आइसक्रीम खाने की। जाने दो, वैसे भी तो वो सही ही कह रही है ना, बिना माँ बाप की लड़की हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। अनाया बोलते बोलते
वहीं पर लेट जाती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और अनाया को देखकर उससे बोलती है, बेटी, अरे ओ बेटी, सो रही हो क्या? अनाया हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है और उनसे बोलती है, जी नहीं, बस मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन आप कौन हो? बेटी, मुझे सब सरला दादी के नाम से बुलाते हैं। आप इस गांव में नई है क्या? मैंने तो आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साल में एक बार ही इस पेड़ की पूजा करने मैं यहाँ पर आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर नहीं आई। अब तो इस पेड़ ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसा ही कुछ समझो। अनाया को बूढ़ी अम्मा की एक भी बात समझ में नहीं आती कि तभी वो बूढ़ी अम्मा पेड़ की पूजा करने लग जाती है। पेड़ की पूजा करते करते बूढ़ी अम्मा और अनाया कई सारी बातें भी करती हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा अनाया से कहती हैं, अरे बेटी, तुम तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो, अब तुम्हें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पेड़ ही मेरा घर और यही मेरे माता पिता हैं। बेटी, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी बिल्कुल अकेली ही रहती हूँ। ठीक है अम्मा, मैं चलूँगी आपके साथ, लेकिन आप रहती कहाँ पर हैं? इस नदी को पार करते ही मेरा घर है बेटी, अभी थोड़ा आगे चलते ही वो नजर भी आने लगेगा। उसके बाद दोनों किनारे पर रखी नाव पर बैठ जाती हैं। बूढ़ी अम्मा को नाव चलाना आता था। कुछ देर तक नाव चलाने के बाद अनाया अम्मा के साथ नदी के बीचों बीच पहुँच जाती है। अनाया नदी के बीचों बीच एक पेड़ देखती है जिस पर बहुत सारी आइसक्रीम लगी हुई थी। अम्मा, वो देखो पेड़, उसमें तो बहुत सारी आइसक्रीम है। ये तो बिल्कुल वैसी ही आइसक्रीम है जैसी मोनिका के हाथ में थी। चलो ना, आइसक्रीम खाते हैं हम। अनाया के इतना बोलने के बाद वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। अरे, आप तो एक परी हो। हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ तक लाई। जब तुम पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ तक लेकर आई हूँ। लेकिन नदी के बीचों बीच पेड़ कैसे हो सकता है, और वो भी आइसक्रीम का? ये मामूली नहीं है, साल में 2 बार ही यहाँ आइसक्रीम का पेड़ प्रकट होता है। आज के बाद ये आइसक्रीम का पेड़ 8 महीने के बाद ही आएगा। ये सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान को ही दिखाई देता है। तुम एक नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए तुम्हें ये नजर आया। उसके बाद परी पेड़ से एक आइसक्रीम निकालती है और अनाया के हाथ में दे देती है। ये लो। उसी वक्त आइसक्रीम में से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगे। अनाया ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, इसमें से तो सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई मामूली आइसक्रीम नहीं है। अब इन्हें बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इससे तुम जितनी चाहो उतनी आइसक्रीम खा सकती हो। अनाया सारे सोने और चांदी के सिक्कों को उठा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। उसके बाद परी अनाया को उसके घर तक छोड़ देती है और खुद परी लोग वापस चली जाती है। घर पहुंचकर अनाया सोचती है, अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के हैं। इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा होगा कि मैं उन पैसों से अपनी एक केक की दुकान खोल लूं। लेकिन सबसे पहले जी भरकर आइसक्रीम खाऊंगी। अनाया बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सोने और चांदी के सिक्के बेच देती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे सबसे पहले बहुत सारी आइसक्रीम खाती है और अगले ही दिन से अपनी दुकान बनवाने का काम शुरू करवा देती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद अनाया की दुकान बनकर तैयार हो जाती है।
अनाया अपनी दुकान देखकर बहुत खुश होती है। अब मुझे किसी के भी घर में नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं इस दुकान में बहुत ही ताजे और टेस्टी टेस्टी केक बेचकर अच्छे से अपना गुजारा करूंगी। उस दिन से अनाया केक बेचने का काम शुरू कर देती है। कुछ महीनों में ही अनाया अपनी मेहनत से बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन कभी भी अनाया को अपनी अमीरी का घमंड नहीं होता। इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं और एक दिन अनाया अपने मन में सोचती है, मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई कि 8 साल हो गए और मैं नदी किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास नहीं गई। आज सारे काम छोड़कर मैं पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। वहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इतना सोचकर अनाया नदी किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास जाती है। अनाया पीपल के पेड़ के पास बहुत सुकून से बैठी होती है। फिर कुछ घंटे के बाद अनाया अपने घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि पड़ोस के राज्य के राजकुमार के कंधे पर बहुत ही गहरी चोट आई है। अनाया राजकुमार के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे आपके कंधे पर चोट कैसे लग गई? दरअसल मैं जंगली जानवर का शिकार करने आया था, लेकिन अचानक पीछे से जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुरंत ही उसको हटा दिया और सिर्फ मेरे कंधे पर ही चोट आई, वरना आज तो मेरी जान भी जा सकती थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं हल्दी का लेप लगा दूंगी। फिर राजकुमार अनाया के साथ उसके घर पर जाते हैं। अनाया राजकुमार की चोट पर हल्दी का लेप लगा देती है, जिससे राजकुमार को चोट में आराम आता है। राजकुमार को अनाया का दयालु स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है और वो मन ही मन अनाया को पसंद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने महल वापस जाते हैं। अगले दिन राजकुमार फिर से अनाया के घर पर आ जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर अनाया दरवाजा खोलती है। अरे आप यहाँ पर, आपका कुछ रह गया था क्या? हाँ, मेरी सबसे बेशकीमती चीज। बेशकीमती चीज? लेकिन क्या? तुम। ये सुनकर अनाया मुस्कुराने लगती है। उसके बाद राजकुमार अनाया से शादी की बात कहती हैं और अनाया शादी के लिए हाँ कर देती है। उसी दिन राजकुमार अपने माता पिता को अनाया के बारे में बता देते हैं और 2 दिन के बाद दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। एक दिन अनाया और राजकुमार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में अनाया राजकुमार से कहती है, मेरी माँ कहती थी कि वो मेरी शादी एक राजकुमार जैसे लड़के से करवाएंगी। उस वक्त तो मैं किसी न किसी तरह बात को टाल देती थी, लेकिन सच में मेरी शादी एक राजकुमार से हो गई। अपनी माँ को याद करते हुए अनाया की आंखें नम हो जाती है। फिर राजकुमार उसे चुप कराने लगते हैं। अब अनाया को राजकुमार के साथ साथ एक परिवार भी मिल गया था और अनाया हंसी खुशी से रहने लगी। एक बार की बात है, किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। आरती की सौतेली माँ बहुत ही जालिम थी। आरती खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। इस बात का फायदा उठाकर उसकी माँ आरती को दूसरों के घरों में खाना बनाने के लिए भेजा करती थी। साथ ही जब आरती को तनख्वाह के पैसे मिलते तो उसकी सौतेली माँ सारे पैसे अपने पास रख लिया करती थी। फिर एक दिन, माँ आज से मैं लोगों के घरों में खाना बनाने नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझसे स्वादिष्ट खाना बनवाते हैं और बदले में मुझे रूखी सूखी खाने को देते हैं। इधर आप मेरी तनख्वाह के सारे पैसे अपने पास रख लेती हो, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। आरती की ये बात सुनते ही उसकी सौतेली माँ पास में रखा हुआ डंडा उठा लेती है। देख आरती, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा कर। अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार कर कुएं में फेंक दूंगी, समझ गई ना?
अपनी माँ की आंखों में गुस्सा देख आरती घबरा कर चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह एक दिन ट्विंकल नाम की लड़की के घर पर पार्टी चल रही थी। मेहमानों के लिए आरती ने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया था। आरती एक एक कर टेबल पर बैठे सभी मेहमानों को खाना परोस रही थी। तभी अचानक ट्विंकल की एक सहेली के सैंडल पर सूप गिर जाता है। अरे नालायक, तूने मेरी कीमती सैंडल खराब कर दी। चल जल्दी से इसे साफ कर, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। उसके बाद बेचारी आरती अपने दुपट्टे से उस लड़की की सैंडल को साफ करने लगती है। अरे कामचोर, ठीक तरह से साफ कर, अगर सैंडल में सूप का एक भी दाग रहा तो मैं तेरे बाल पकड़कर तुझे पंखे से लटका दूंगी, समझी। तभी ट्विंकल की एक सहेली कहती है, मेरी सैंडल भी बहुत गंदी हो गई है, चल जल्दी से इसे भी अच्छी तरह से चमका दे। मजबूरी में आरती उस लड़की की भी सैंडल साफ करने लगती है। ये देख वहाँ बैठी सभी लड़कियाँ आरती को अपनी सैंडल साफ करने के लिए कहती हैं। फिर एक एक कर आरती सभी लड़कियों की सैंडल अपने दुपट्टे से पोंछकर साफ कर देती है। ट्विंकल, तेरी नौकरानी ने तो हम सबकी सैंडल बढ़िया साफ की है, जरा इसे बोल कि बाहर जाकर हमारी गाड़ियों को भी साफ कर दे। फिर ट्विंकल आरती को डांट कर गाड़ियाँ साफ करने में लगा देती है। पता नहीं मेरी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? हर कोई मुझे अपनी गुलाम ही समझता है, आखिर मेरा दुख कब खत्म होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आरती आज मुझे जंगली मुर्गे की बिरयानी खाने का बहुत मन है, चल तू जल्दी से जंगल जाकर एक बढ़िया सा मोटा ताजा जंगली मुर्गा पकड़ कर ले आ। आरती के सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जंगली मुर्गा पकड़ने पास के जंगल में चली जाती है। काफी देर खोजबीन करने के बाद आखिरकार उसे एक जंगली मुर्गा दिखाई देता है। आरती जैसे ही उस जंगली मुर्गे को पकड़ने के लिए उसके पास जाती है कि तभी वो मुर्गा आरती पर हमला कर देता है। वो मुर्गा बहुत ही तेज और खतरनाक था। देखते ही देखते आरती पूरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही दो इच्छाधारी नागिन बहनें आरती को देख लेती हैं। आरती की हालत देखकर उन दोनों को उस पर बहुत दुख होता है। फिर वो दोनों आरती को उठाकर अपने घर ले जाती हैं और उसकी मलम पट्टी करके उसे पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। फिर दोनों नागिन बहनों के पूछने पर आरती उन्हें अपने सौतेली माँ के सभी अत्याचारों के बारे में बताने लगती है। सच में तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही जालिम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें अपनी सौतेली माँ के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ रहो, हम दोनों बहनें तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों नागिन बहनें आरती का एडमिशन नागिनों के स्कूल में करवा देती हैं। उस स्कूल में तरह तरह की जादुई विद्या सिखाई जाती थी। आरती मन लगाकर जादुई विद्या सीखने लगती है। दूसरी तरफ वो दोनों नागिन बहनें आरती को ढेर सारे सुंदर कपड़ों के साथ साथ उसे रोज स्वादिष्ट खाना भी खिलाया करती थी। अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर आरती बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन आरती को ढूंढती हुई उसकी सौतेली माँ जंगल आ जाती है। वो आरती की ठाट बाट देखती है तो उसे बहुत जलन होती है। तभी उसकी नजर नागिनों के घर में रखे सोने की चीजों पर पड़ती है। अरे वाह, मेरी किस्मत खुल गई है, यहाँ तो ढेर सारी सोने की चीजें हैं। अगर मैं इन्हें चुरा कर बाजार में बेचूं, तो एक ही दिन में मैं लखपति बन जाऊंगी। फिर रात होते ही आरती की सौतेली माँ चोरी से उनके घर में दाखिल होकर सारे सोने की चीजों को एक बोरी में भरने लगती है। लेकिन तभी अचानक दोनों नागिन बहनें नींद से जाग जाती हैं। अरे ये चोरनी तो हमारे घर से सोने की चीजें चुरा कर ले जा रही है, चलो इसे सबक सिखाते हैं।
अरे मर गई रे, इन दोनों ने तो मुझे देख लिया। इससे पहले कि ये दोनों मेरा बुरा हाल करें, मैं यहाँ से भाग निकलती हूँ। लेकिन तभी वो दोनों नागिन बहने अपनी जादुई शक्ति से आरती की सौतेली माँ को एक बिल्ली के रूप में बदल देती हैं। फिर दोनों नागिन बहने उस बिल्ली को उठाकर बाहर जंगल में फेंक देती हैं। इस तरह आरती की सौतेली माँ को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वो बिल्ली बनकर जंगल में भटकने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।